अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के लिविंग लेजेंड अदाकार के बारे में, जो ना सिर्फ बहुत अच्छे अदाकार बल्कि बहुत अच्छे गुलकार और प्रोड्यूसर भी हैं। तकरीबन 5 दहाइयों से पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री पर राज कर रहे हैं, जिनको हर कोई इज्जत व एहतराम की निगाह से देखता है। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया आपको जानती भी है और पसंद भी करती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी लिविंग लेजेंड नदीम बेग साहब की। आज हम इस अजीम फिल्मी हीरो की जाति व शोबिस के सफर पर नजर डालेंगे और बताएंगे ये कैसे फिल्म इंडस्ट्री में आए, कैसे इनको शोहरत मिली। आपकी जाति व फिल्मी सफर पर बात करने से पहले मेरी सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल इंफॉर्मेशन विद फवाज अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दे और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी दबा दे और इस वीडियो पर लाइक भी कर दें। देखने में बायोग्राफी वीडियो बनाना आसान काम लगता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं। ये बात सिर्फ वही समझ सकता है जिसने ऐसी वीडियो बनाई है या जो ऐसी वीडियो बनाएगा। पर बगैर वक्त जाया किए वीडियो की जानिब आते हैं। फिल्म स्टार नदीम बेग, जिनका असल नाम मिर्जा नजीर बेग मुगल है, जो 19 जुलाई 1941 को ब्रिटिश राज में हैदराबाद दक्कन इंडिया में पैदा हुए। क्या मैं पाकिस्तान के बाद आप अपनी फैमिली के हमरा पाकिस्तान आ गए और यहां आकर कराची में सुकूनत अख्तियार की। अपनी इब्तदाई तालीम कराची से हासिल की, इस्लामिया कॉलेज कराची से बीए किया। अपने कॉलेज के दौर में ही आपको गुलूकारी का बहुत शौक था। आप कॉलेज के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स व दीगर प्राइवेट महफिलों में गाना गाया करते थे और कॉलेज दोस्त से ही नदीम बेग साहब और वहीद मुराद साहब बहुत अच्छे दोस्त भी थे। बीए करने के बाद आप रोजगार के सिलसिले में ढाका मशरक की पाकिस्तान चले गए, जो कि अब मौजूदा बांग्लादेश है, और वहां सेल्समैन की जॉब स्टार्ट कर दी और साथ साथ प्राइवेट महफिलों में गुलकारी भी करते रहे। मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर निसार बज़मी साहब ने आपको एज ए गुलकार मुतारफ करवाया। आपने पहली बार ढाका टेलीविजन पर गुलकारी की। फिल्म स्टार नदीम ने अपने कैरियर का आगाज बतौर गुलकारी से ही किया। जिन फिल्मों के लिए आपने गुलकारी की उन फिल्म के नाम है ये कराची है और सहरा, मगर दोनों फिल्में कुछ वजूहात की बिना पर ना बन सकी और फिर आपके कैरियर में टर्निंग पॉइंट आया और हदायतकार एहतिशाम ने आपको फिल्म में बतौर हीरो कास्ट करने की ऑफर की, जिस पर आपने मुआजरत की और अर्ज की कि मुझे गाने का शौक है, अदाकारी नहीं कर सकता, हाँ इस फिल्म के गाने जरूर गाना चाहूंगा। लेकिन हदायतकार एहतिशाम नहीं माने। उन्होंने अपनी फिल्म चकोरी में नदीम बेग को फिल्म स्टार शबाना के साथ हीरो कास्ट कर लिया। मस्कुरा फिल्म ढाका के उस वक्त के मशरकी पाकिस्तान, जो कि अब बांग्लादेश है, वहां बनी और मोरखा 23 मार्च 1967 को रिलीज हुई और कामयाब हो गई। और फिर इसी फिल्म को मगरबी पाकिस्तान यानी मौजूदा पाकिस्तान में रिलीज किया गया। शुरू में तो कोई अच्छा रिस्पॉन्स ना मिला, लेकिन फिर इस फिल्म ने देखते ही देखते कामयाबियां हासिल करना शुरू कर दी। फिल्म की कामयाबी की वजह नदीम बेग थे, क्योंकि आपकी ये पहली फिल्म थी और इस फिल्म के नए हीरो होने की वजह से लोग आपको फिल्म में देखने आने लगे। फिर यह फिल्म 81 हफ्तों तक लगातार चलती रही और पाकिस्तान की दूसरी प्लैटिनम जुबली फिल्म कहलाई, जो कि फिल्म स्टार नदीम के लिए किसी एजाज से कम ना था। याद रहे मजकूरा फिल्म बंगाली जुबान में थी, लेकिन बाद में इसको उर्दू जुबान में डब किया गया। इस फिल्म का एक गाना बहुत मशहूर हुआ, जिसके बोल हैं, कहां हो तुम को ढूंढ रही हैं ये बहारें ये फिजा। मस्कुरा गाना बहुत हिट हुआ, जो कि आज तक लोगों का पसंदीदा गाना है। ये गाना फिल्म स्टार नदीम की अपनी आवाज में था। नदीम बेग ने फिल्म स्टार शबाना के साथ मजीद चंद फिल्में की और इसके बाद आपकी पहली फिल्म जो शबनम के साथ रिलीज हुई, उस फिल्म का नाम था तुम मेरे हो। यहां से नदीम और शबनम की जोड़ी का आगाज हुआ। मस्कुरा फिल्म 12 अप्रैल 1968 को रिलीज हुई, मगर फ्लॉप रही। अब हम फिल्म स्टार नदीम की चंद सुपरहिट फिल्मों की बात करते हैं, लेकिन एक बात बताता चलूं कि अगर तमाम सुपरहिट फिल्मों की बात करने चल पड़े तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि फिल्म स्टार नदीम की सुपरहिट फिल्में एक या दो नहीं बल्कि 3 दर्जन के करीब हैं, जो कि एक मुनफरद रिकॉर्ड है। फिल्म चकोरी के बाद फिल्म संग दिल, जो इसी साल 1968 में रिलीज हुई, जिसमें आपके साथ हीरोइन दीबा बेगम थी। मस्कुरा फिल्म के डायरेक्टर सफर शबाब थे और ये एक सुपरहिट फिल्म थी। फिल्म बहन भाई, वो भी इसी साल 1968 में रिलीज हुई और सुपरहिट हो गई। आपके साथ इस फिल्म में हीरोइन रानी थी। इसके बाद फिल्म आंसू, जो 1971 में रिलीज हुई, इसमें आपके साथ एक बार फिर दीबा बेगम थी और यह फिल्म स्टार शाहद की डेब्यू फिल्म थी।
ये भी एक सुपरहिट फिल्म थी। फिल्म दिल लगी जो 1974 में रिलीज हुई। इस फिल्म में आपके साथ शबनम जी हीरोइन थी। मस्कुरा फिल्म के डायरेक्टर असलम डार थे और ये फिल्म बहुत सुपरहिट हुई। फिल्म आईना जो 1977 में, फिल्म जिंदगी जो 1978 में और फिल्म संग दिल जो 1982 में रिलीज हुई। ऐसी बहुत सारी सुपरहिट फिल्में जो 3 दर्जन के करीब हैं, उसमें नदीम साहब ने अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। आपकी सबसे ज्यादा फिल्में शबनम जी के साथ हैं और इसके बाद बाबरा शरीफ के साथ भी आपने काफी फिल्में की हैं। नदीम और शबनम की जोड़ी को लोग आज तक पसंद करते हैं। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में जितनी शोहरत इस जोड़ी ने हासिल की शायद ही किसी और जोड़ी ने की होगी। फिल्म स्टार नदीम आज तक शोबिज से वाबस्ता है। आप ना सिर्फ फिल्मों बल्कि टीवी ड्रामों में भी नजर आते हैं और बहुत सुपरहिट टीवी ड्रामों में अदाकारी की है। फिल्म स्टार नदीम ने मजमूई तौर पर 250 के करीब फिल्मों में काम किया, जिनमें 200 के करीब फिल्में उर्दू जुबान में, चंद फिल्में पंजाबी जुबान में और 2 या 3 फिल्में बंगाली जुबान में हैं। फिल्म स्टार नदीम का कैरियर 5 दहाइयों पर मुश्तमिल है, क्योंकि माशाल्लाह आज भी नदीम साहब शोबिज से वाबस्ता हैं। आपको पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया जानती है। आपने 2 फिल्में प्रोड्यूस भी की, जिनके नाम है मिट्टी के पुतले जो कि उर्दू फिल्म थी और फिल्म मुखड़ा जो कि एक पंजाबी फिल्म थी। जैसे आपकी कामयाब फिल्मों की तादाद बहुत ज्यादा है, ऐसे ही आपने 1 दर्जन से जायद अवार्ड्स अपने नाम किए, जिनमें से 16 निगार अवार्ड्स हैं। ना सिर्फ निगार अवार्ड्स, आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 1997 में मिला। आप बहुत मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान से बाहर आप जब भी जाते हैं, आप पाकिस्तान की इज्जत और एहतराम को मुकदम रखते हैं। अब बात करते हैं नदीम बेग साहब की शादी और बच्चों के बारे में। 1969 में आपकी शादी फिल्म डायरेक्टर एहतशाम की बेटी फरजाना से हुई। ये वही एहतशाम साहब हैं जिन्होंने नदीम साहब को चकोरी फिल्म में मुतारफ करवाया था। आपके माशाल्लाह अब 2 बेटे हैं जिनके नाम है फरहान और फैसल। इस वक्त आप कराची में रहायश पजीर हैं और अपने बीवी बच्चों के हमरा खुशोखुर्रम अजवाजी व समाजी जिंदगी बसर कर रहे हैं। हमारी दुआ है कि पाकिस्तान के इस लिविंग लेजेंड अदाकार को सेहत तंदुरुस्ती और लंबी जिंदगी अता फरमाए। अगर आप पाकिस्तान के पुराने अदाकारों के बारे में जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पाकिस्तानी एक्टर्स बायोग्राफी के नाम से प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप सैकड़ों पाकिस्तानी अदाकारों के मुतालिक मुकम्मल मालूमात हासिल कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक जरूर करना और इस वीडियो के प्लीज 2000 लाइक मुकम्मल करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।